गुड इवनिंग स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ कॉर डेटा। पिछले वीडियो में अपन ने कॉर डेटा में डिस्कस किया था। फाइनल ईयर जियोलॉजी का कॉर डेटा एक सब्जेक्ट है, पेपर है, जिसमें अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर डेटा पढ़ा। हेमी कॉर डेटा का एग्जाम्पल अपने बेलेनोग्लॉसस को डिस्कस किया था। सेकंड आपका यूरोकॉर्डेटा का एक एनिमल्स होता है हार्डमानिया, वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल हार्डमानिया। हार्डमानिया की स्ट्रक्चर ऑफ हार्डमानिया का कुछ इस तरीके का होता है, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रोड। इसका ये पोर्शन इस तरीके का दिखाई देता है, ये सॉइल के अंदर रहता है, अंदर की तरफ नीचे का है, पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है आपका इसका। ये तो आपके अपार्चर पाए जाते हैं, ये ब्रेंकियल और ये एट्रियल, ब्रेंकियल अपार्चर है, एंट्रियल अपार्चर है। ये आपका पोस्टीरियर बॉडी इसकी होती है, ये एंटीरियर बॉडी है, एंटीरियर साइफन है ये, और इसके फूड वाले पोर्शन में ये फूड वाला पोर्शन है। एंड पोस्टीरियर पार्ट जैसे कोई वेंट्रल पार्ट, इससे पोस्टीरियर पार्ट, एंड सम फॉरेन पार्टिकल आर कनेक्टेड टू ए फूड विथ ए फूड। वी क्लासिफिकेशन इन फाइलम, क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली ऑफ स्पीसीज ऑफ हार्डमानिया। हार्डमानिया इंक्लूड इन फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, वी वेरी वेल नो, क्लास इन यूरोकॉर्डेटा एंड ऑर्डर एसिडेसिया, फैमिली स्टोलोडोब्रैंकिया एंड स्पीसीज हार्डमानिया। एक क्लासिफिकेशन है इसका, ठीक है। इसके बारे में अपन जानते हैं ये कहाँ रहता है। हैबिटाट की बात करें इस एनिमल की, तो हैबिटाट में ये सॉलिट्री आपके जो मरीन या पे ओशियन रीजन है उसके कॉर्नर पे रीजन पे रहता है ये, ठीक है, कॉर्नर वाले यानी किनारों पे रहता है ये, डीप वाटर में ना रह के, छिछला पानी होता है ना, जो कम वाटर होता है जहाँ पे कम पानी, कॉर्नर पे ना वहाँ रहता है, ठीक है। इसके साथ ही इसकी बात करें तो ये कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहेंगे? कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। सेकेंड थिंग, फूड प्रोसेस की बात करें तो ब्रैंकियल साइफन से फूड एंटर करता है, अगर फूड प्रोसेसिंग की बात करें, डाइजेस्ट सिस्टम की बात करें तो एंटर करता है, और एट्रियल अपार्चर्स के थ्रू डाइजेस्टिव फूड बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसके साथ ही ये कैसा होता है? बाईसेक्सुअल होगा। कैसा होता है? सेक्सुअल एक्टिविटी में, अगर सेक्सुअल कंडीशन में इसको देखें तो ये बाईसेक्सुअल टाइप का होगा, ठीक है। और डाइजेस्ट सिस्टम में मैंने बताया आपको, सेक्सुअल कंडीशन देखें तो बाईसेक्सुअल होगा। मेल फीमेल आर नॉट डिफरेंस, ओनली वन एनिमल हैव ए, बोथ आर जेनेटल करेक्टर्स, ठीक है, दे हैव ए बोथ जेनेटल करेक्टर्स, ठीक है, यानी दोनों ही आपके जेनाइटल जो करेक्टर्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो करेक्टर, ये दोनों की एक ही में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटर होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज आउटर कंडीशन, ठीक है, आउटर एनवायरनमेंट इन वाटर में नॉर्मली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से कहा जाता है, वी कॉल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके साथ ही इसमें मेटामॉर्फेसिस जो होता है वो रिट्रोग्रेसिव होगा। कैसा होगा? मेटामॉर्फेसिस आर ए रिट्रोग्रेसिव, क्लियर है। तो नॉर्मली अपन ने इसके बारे में देखा, ब्रैंकियल साइफन, एट्रियल अपार्चर, एट्रियल साइफन, ये इसका स्ट्रक्चर है बॉडी का। और नॉर्मली कंडीशन में अगर इसकी रहने की बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं, किसी भी एनिमल को डिस्कस करते हैं तो इसके हैबिटाट की बात करते हैं, कि इसका हैबिटाट कहाँ है। तो बताया कि कॉर्नर पे जो मरीन वाटर के जो कम वाटर वाला एरिया है वहाँ पे रहता है, ये वाला सॉइल के अंदर रहता है, ये बाहर रहता है, दिखता है।
ठीक है, इसमें ये फवारा लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे फवारा होता है, कोई भी चीज़ एंटर करती है बाहर निकलती है फवारे के जैसे, उसी तरीके से इसके ये वर्क करते हैं, इसलिए इसे समुद्री फवारा भी कहा जाता है। और ये बाहर रहता है पोर्शन, कॉलोनी के फॉर्म में रहेगा, साथ साथ रहते हैं, ठीक है। फूड प्रोसेस बताया, डाइटम्स वगैरह होते हैं उनको अपटेक करता है, लीव्स को अपटेक करता है, और ये एंटर करता है यहाँ से फूड, और बाहर यहाँ से निकल जाता है डाइजेस्टिव होने के बाद, जो आपका वेस्टेज प्रोडक्ट होता है, ठीक है, फुमारे के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। एक्स्ट्रा वाटर जो होता है, वाटर भी इसके अंदर एंटर करता है, बाहर निकलता रहता है ना, इस तरीके से वाटर सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। इसके साथ ही इस पे कुछ सी एनिमोन, डायटम्स, एल्गी वगैरह क्या रहते हैं इसकी बॉडी पे अटैच रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, क्लियर है। कंप्लीट नर्वस सिस्टम नहीं होता है डेवलप, ना कोई डाइजेस्ट सिस्टम डेवलपमेंट है, फिर भी डाइजेस्ट सिस्टम होता है इसमें, उसको अपन पढ़ेंगे, तो एक बार बना लीजिए आप ये। ठीक है, इसके साथ ही ये ट्यूनिका के की एक लेयर्स पाई जाती है इसके ऊपर, जो प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। इसमें टेस्ट एंड ट्यूनिका प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल्स होती हैं कुछ इस तरीके की बने होते हैं, कुछ ये इस तरीके की, इस तरीके की टेस्ट होती है इसके अंदर, ट्यूनिका होती है, जो क्या करती है प्रोटेक्शन का वर्क करती है, क्या करती है प्रोटेक्शन, ठीक है। अदर एनिमल्स होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, उनसे खुद की वो करती है रक्षा करती हैं अपनी, है ना। बना लिया आपने, ठीक है। और प्रॉपर बॉडी होती है, हेड रीजन भी है पोर्शन, फूट रीजन भी है, चलने के लिए भी है, ठीक है। बाकी आइज वगैरह इस तरीके का कुछ पोर्शन नहीं होता इसमें। ये आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है एमएससी फाइनल ईयर में जो हार्डमानिया का अपन पढ़ रहे थे, इससे पहले अपन ने हार्डमानिया का स्ट्रक्चर देखा, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर देखा अपने,
वी डिस्कस अबाउट अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ थर्ड मानियो। ये स्ट्रक्चर के डाइजेस्टिव सिस्टम का है, जिसमें ये वाला पोर्शन आपके वैस्कुलेटरी सिस्टम का है, यानी ब्लड वेसल्स का है वो पोर्शन है, और ये पोर्शन आपके जिसमें ये वाला पोर्शन और ये वाला माउथ रीजन है, यहाँ से फूड एंटर करता है, एट्रियम पार्चर है, यहाँ से बाहर निकालता है अनडाइजेस्टेड फूड को, ठीक है। वाटर को भी इसी से, वाटर यहाँ से आता है, इन पार्चर में जाता है, इन एंडोस्टाइल में जाता है, और यहाँ से होता है वो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम से होता हुआ फिर वापस यहाँ से निकाल दिया जाता है, जो इसे अनडाइजेस्टेड लिक्विड फॉर्म में जो सब्सटेंस है। ये स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर तो माउथ वाला रीजन है, माउथ से ये वाला पोर्शन अपन आते हैं, यहाँ से फूड एंटर करता हुआ यहाँ पर आता है, और ये ईसोफेगस वाला पोर्शन है, ईसोफेगस के ऊपर आगे ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें राइट लोब ऑफ लीवर दिखता है, जो लीवर है ये, इसका लीवर वाला पोर्शन है, ये लीवर का राइट लीवर, राइट लोब ऑफ लीवर है, ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है, ये स्टमक वाला पोर्शन है, स्टमक के बाद स्टमक के आगे अपन चलते हैं तो इंटेस्टाइनल लूप दिखाई देता है, ये एक तरीके का लूप बना हुआ है, ये इस तरीके का ये लूप है, इंटेस्टाइनल लूप है। इंटेस्टाइनल लूप के आगे अपन ये देखते हैं तो ये गोनेड्स हैं, सेक्सुअल जो करेक्टर्स होते हैं, सेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल गोनेड्स, ठीक है, लेफ्ट गोनेड्स है ये, और ये वाला पोर्शन रेक्टम वाला पोर्शन है, और रेक्टम से फूड एनस से निकल जाता है। तो ये तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का पोर्शन माउथ से होता हुआ, और ये जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, स्फिंक्टर मसल्स क्या होती हैं, स्फिंक्टर मसल्स का मतलब होता है कि जैसे ये मान लो ट्यूब है, तो इनमें कुछ ऐसी मसल्स होती हैं कि स्फिंक्टर मसल्स क्या वर्क करती है, फूड को आगे पहुंचाने का काम करती है। इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से इसमें मूवमेंट होता है, और ये फूड को क्या करता है, पुश करते हैं, स्फिंक्टर मसल्स क्या करते हैं, फूड को पुश करते हैं आगे जाने के लिए। तो स्फिंक्टर मसल्स पुशिंग के लिए काम आती है, पुश करते हैं, ठीक है, जो किडनी में हो, यूरेटर में हो, या फिर आपके इंटेस्टाइन में हो, डाइजेस्ट सिस्टम के जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो फूड को आगे पहुंचाती हैं। ये माउथ वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में देखते हैं ईसोफेगस के बाद स्टिग्मा है, ये जो आपकी दिख रही है स्टिग्मा, ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड आता है इसी में सर्कुलेट होता है। पोजीशन ऑफ एंडोस्टाइल, ये एंडोस्टाइल की पोजीशन है, इसके साथ ही ब्रैंकियल सैक है, ये आपको जो डार्क डार्क स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ब्रैंकियल सैक वाला पोर्शन है। ये पेरिफेरेंजियल बैंड है, ये जो अटैच बंद है, ये जो पूरा पोर्शन यहाँ से पेरिफेरेंजियल वाला बैंड है, ये आपकी बकल कैविटी है, ये माउथ वाला पोर्शन है, ये बकल कैविटी है, और पेरिफेरेंजियल जोन है ये, और ये वही स्फिंक्टर मसल्स है ये वाली पोर्शन, ठीक है, और यहाँ पर ये स्फिंक्टर मसल्स है। तो इस तरीके से आपने समझ में आया होगा कि माउथ वाला रीजन है, माउथ से फूड होता हुआ आपके ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से आपका, देखिए ये वाला पोर्शन है अनडाइजेस्टेड फूड नहीं, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस निकालता है, मतलब वाटर मेनली वाटर अपटेक करता रहता है, बाहर निकलता रहता है, अपटेक करता रहता है, बाहर निकलता रहता है, ठीक है, जैसे कि एक्वाटिक एनिमल में खासकर होता है, किसके थ्रू, गिल्स स्लेट के थ्रू बाहर निकलता है, गिल्स के थ्रू वाटर माउथ के थ्रू एंटर करता है, गिल्स के थ्रू बाहर निकलता रहता है, ऐसे हमेशा, और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता रहता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसफर ओ टू सी ओ टू का ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ब्लड की यहाँ पर जो कंडीशन है, ठीक है, ब्लड और यहाँ पर वाटर का रहता है सिस्टम, ब्लड वेसल्स ब्लड का रहता है सिस्टम, और ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसा कि अपन ने बात की, ईसोफेगस वाला पोर्शन है, ये राइट लोब ऑफ लीवर है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है, इसके साथ ही आपके स्टमक है, स्टमक के बाद फिर इंटेस्टाइनल लूप जो बताया मैंने, फिर लेफ्ट गोनेड से ही रेक्टम है, रेक्टम के बाद एनस आता है, ठीक है, इस तरीके से आप, तो ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है, ट्रांसफर्स ब्लड वेसल्स, पोजिशन ऑफ एंडोस्टाइल है, ये पेरिफेरेंजियल जोन है, जैसा कि अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऊपर वाले जो पोर्शन है ये दोनों ऊपर वाले पोर्शन है ना, ये आपका वाला पोर्शन है, पेट वाला, फूट वाला पोर्शन तो नीचे था ना, ये जैसे इस तरीके का था ना आपका, फिर ये वाला जो पोर्शन बना था, ये इतना पोर्शन अपन इस तरीके का था ना, जो तो ये वाला पोर्शन अपन ने इस डाइजेस्टिव आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, देख लीजिए, बना लीजिए।
ये अपन ने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया, इससे पहले वो जनरल स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। अब आगे अपन यूरो कॉर्डेटा के बाद सिफेलो कॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे, और सिफेलो कॉर्डेटा के बाद फिर अपन क्रेनिएटा या फिर कॉर्डेट्स जो आपके यू कॉर्डेट्स हैं उसके अपन डिस्कस करेंगे, उसका पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू। इसको बना लीजिएगा, और समझा तो मैंने दिया ही है, सिंपल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नॉर्मल है, ठीक है, लोब्स हैं, लीवर्स हैं, स्टमक है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।